गुरु देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे जो हॉस्टल में रूम लेके रहते हैं या फिर रूम लेके जो छात्र रहते हैं वो कैसे खाना पीना वगैरह बनाते हैं। तो आपको ये वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि उनका जीवन कैसे चलता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये कुकर जिसमें इन्होंने दाल लिया है, ये चावल है जिसमें मतलब चावल है जिसको इन्होंने ग्लास में लिया है। और आप देखिएगा यहाँ पे हॉस्टल में जो रहने वाले लड़के होते हैं, आलू है, ये आलू है जिससे चोखा बनेगा। तो आपको हाँ तीनों देखिए, बहुत ही कॉम्बो पैक है, मतलब इतनी बेहतरीन फैसिलिटी आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, केवल ये आपके हॉस्टल के लॉन्डे। अरे भाई आप ये देख सकते हैं, ये मनोज भाई जो है आपको अपना जो है दाल को धो कर ला दिए हैं, आलू को बढ़िया से धो दिए हैं ताकि गंदगी ना रहे, साथ में चावल को भी धो दिए हैं। तेल क्यों डाले मनोज भाई? ताकि जो दाल है वो बाहर ना आए। अच्छा, वो बाहर ना आए, देखिए कितनी अच्छी कैपेसिटी है। ये वही लॉन्डो का दिमाग चलता है जो रूम लेके रहा करते हैं या जो हॉस्टल में रहा करते हैं, जो खुद से बाहर खाना बनाते हैं। इतना तो आप लोग मम्मी लोग का भी दिमाग नहीं चलता होगा, आंटी लोग तो अलग 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 कुकर में दाल, अलग में चावल और चोखा अलग से बनाएंगी। आंटी देख रही हैं लड़कों को आजकल हॉस्टल के। और ये हो गया, नमक डाल दिए मनोज भाई स्वादानुसार, स्वादानुसार जितना स्वाद हो उतना नमक डाल दीजिए। अब ये इसके बाद चावल को ढक देना है नहीं तो और चावल को ढक के कुकर में रख देना है, नहीं तो बाहरी फेंक फाक देगा ना तो कुछ खराब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बढ़िया इसको रख दीजिए, उसके बाद इसे पैक कर दीजिए। अब आप देखिए ये है कॉम्बो, दाल चावल चोखा का कॉम्बो पैक। इधर हीटर है और यहाँ हीटर है, देखिए आप देख सकते हैं ये हीटर पर बैठ गया। चुपचाप वीडियो बना रहे, बट तो अब ये 4 से 5 सीटी मारे बजेगा इस पर, 4 से 5 सीटी में जो है आपका कॉम्बो पैक चप्पल खाना बन रहा है पे। तो आप देख सकते हैं ये कॉम्बो पैक है, 4 से 5 सीटी में जो है आपका पूरा दाल चावल चोखा जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DBC भी बोलते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं लड़के, वो बनकर तैयार हो जाएगा। तब बन जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। भाई सरसों का तेल डब्बा में भरते हुए, सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया है। मेरे को मम्मी बचपन में खूब कड़ुआ तेल से मालिश करती थी भाई। जैसन बाबा रामदेव का है, बाबा रामदेव काना आदमी है भाई, ये क्या बोला रहता दिन एक दुकान में जाके बोला कि बाबा रामदेव का दही देते, कथे हमारे देव पतंजलि का बाबा रामदेव के दही ना। और आप ये देख सकते हैं ये व्यवस्था है, ये है तवा, ये है चौकी, ये है रोटी रखने वाला केस, बाकी ये तेल, ये डब्बा है। कहाँ जानते हैं कि इसको रोटी रखने वाला बोलते हैं? पता तुम ज्यादा तेज ना बना करो, ठीक है? बता दो, ये है वर्ल्ड मैप और ये है, हाँ तो मान लो आंटी लोग को ना थर्मस जिसमें पानी रखा जाता है, आंटी लोग को नहीं पता होगा ना तो बता रहे हैं। देखिए आंटी ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है? आंटी नहीं, आंटी नहीं उसको वो किया है जो उनके घरों में पड़े हैं वो, नहीं आंटी चाहती उठा के फेंक देती है, क्या चीज है। और ये देखिए आंटी, ये है इंडिया का मैप, भारत को अंग्रेजी समझ में नहीं आती। आंटी पढ़ी तो कैसे नहीं, तो वो समझ में आएगा रोटी रखने वाला। आंटी माल गांव वाली होंगी, तो गांव में भी है भाई, गांव में कम है अभी अभी, वो टिफिन में बनाता है रोटी। और ये देखिए आंटी, ये है पानी, मतलब इसमें पानी बहुत ठंडा रहता है हमेशा, ऑलवेज कूल वाटर। और ये लैपटॉप है, ये सब चीजें हैं, ये किताबें हैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों की। और ये आंटी देखिए जंगला है, मतलब तुम आंटी क्यों बोल रहे हो, लड़कियां वीडियो देखती हैं तो भाई वो कल के दिन जाके आंटी बनेंगी ना, भाई लोग भी देख रहा होगा। और यही सब चीजें हैं दोस्त, आज इस वीडियो में किसी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब ऐसे ही घूम रहे हैं। और ये देखिए ये आलू, आलू है आंटी, मतलब आलू हम लोग लेके आते हैं सब्जी वगैरह तो यहीं पे रख देते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट। और ये पियर्स है जिसको हम लोग नहा लाग नहाते नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता, ठंडा ठंडा भाई ठंडा रहता है। जैसा तुम आवाज निकाले हो इसको लगाने के बाद आवाज वैसी नहीं आती, आती है ऐड देखा करो। अच्छा सुनने वाला बने। हाँ और ये देखिए कढ़ाई वगैरह है जिसमें ये जो घर है ना, नहीं नहीं, नहीं सीधे बोलो कि हम लोग मांस नहीं पाते इसलिए ऐसी काली पड़ी हुई है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं आंटी, ये थोड़ा सा काला हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो है कम मजा आता है। वही बतिया हम बोले थे तो कैसे तुम कैसे हम कुछ और खाने वाले थे पर तुम घुमा दिए, हालांकि ये काला ऐसे नहीं पड़ा, इसको कल हम लेके आएंगे गोरा कर देंगे, वो आता है। ये हाथ धोने का सलो
वो है उसे हम लोग हैंड वॉश। यस, और ये सरफ रफ है, ये इसका यूज कहाँ होता है ये बता दो, एक्चुअली सही बताना क्योंकि ज्यादातर कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा था बताओ, कहाँ ज्यादातर लोग दारू वारू, दारू ये कौन बोलता है दारू, हमारे यहाँ आता जो वो पीता है आलस उसके लिए क्योंकि घरों में ज्यादा से पानी पीने। और ये देखिए दाल है, ये कौन सा दाल है भाई, बाबूजी अरहर का ये दाल है बाबूजी। और ये देखिए ये बहुत ही मतलब अपने को खाना पीने का ध्यान रखते हैं, तो देख रहे हैं आप बढ़िया से एकदम कुल रखे हुए हैं खाने पीने वाला व्यवस्था, यही सब है। और आप देख लीजिए अभी हम लोग का खाना बन रहा है, अभी और थोड़ी देर में खाना बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा खाना बन के तैयार हो गया है, यहाँ मनोज भाई घी को उसमें जो है टेकरा रहे हैं, टेकराना बोलते हैं हम लोग गलाना को, क्या करिएगा मनोज भाई इसमें छौकिए का दाल का छौका लगा, दाल छौका मारेंगे एक नंबर मनोज भाई, छौकिए छौकिए। तो ये देखिए हमारा खाना बन के तैयार हो गया, मनोज भाई जल्दी से कुकर खोल दीजिए एकदम, ये राजा एक नंबर, हाय 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 हाय। ये देखिए ये है चावल बन के तैयार हो गया, सोने का चावल आप देख सकते हैं, तनकी सा तन लगा ला तो मिलाई के ना खाए के बाद क्या करेगा। आई देखिए दाल बन गई, आलू बन गई, आलू नहीं है आलू में चोखा बनी कर, चोखा खाती आइटम पे ला के रखा, चोखा खाती आइटम मनोज भाई तैयार कर दिए, राजा आदमी है भाई। जल्दी जल्दी आलू को निकाले, चाकू से निकाल तू मनोज भाई, मारिए चोखा है आटा का, मारा मारा चछा मारा मारा भाई, बहुत तेज वो होता है उड़ता है, एक बार उड़ गया था मेरा यहाँ पर चावल बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं मनोज भाई चावल निकाल रहे हैं और वो चोखा बन के तैयार हो गया है, और फटाफट अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। तो दोस्त देखिए हमारा खाना बन के तैयार हो गया, ये देखिए दाल कितना बेहतरीन छौका लगा हुआ आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आप ये देखिए चोखा है एकदम बढ़िया, इसमें जो है प्याज ये सब दिख रहा है, ये अचार हो गया, चावल हो गया, दोनों लोग अब जा रहे खाने। तो बस आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, एक मिनट और बोल लीजिए, हाँ बोलिए क्या करें, अगर दो लोगों को खाना है तो दो लोगों के लिए लोटा में पर्याप्त बन जाता है, एक के साथ बन जाएगा बिल्कुल, अगर उससे ज्यादा लोगों को खाना है तो फिर उसके लिए अलग अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि पानी उतना ही डलाता है जितना कि ऐसे डलाता नॉर्मल डलाता है, और 4 से 5 सीटी मारा जाता है। तो बस देखिए आप हमारे सेफ के माध्यम से आपने सुन लिया कैसे क्या करना है, तो आप भी घर पर ट्राई करिए रेसिपी को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपने ट्राई किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नए नए रेसिपी आपको दिखाते रहे बताते रहे। तो फिलहाल वीडियो करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय, घर वालों को ख्याल रखिए, आंटी जी प्रणाम।